Hey guys, what's up everybody? Welcome back to the channel. I hope you guys are doing all well. So guys, this is the second day and it's 3 p.m. in the afternoon aur hum fresh ho chuke hain aur ab hum ready hain nikalne ke liye aur jo plot hai wo theek hai matlab expected snow thi wo usse kam hai jitni expectation thi hame snow se but it's fine. Ab dekhte hain aage ka arrangement kaisa hota hai aur aage kya kya dekhne ko milta hai to hum thoda explore karenge kya kya hai actually Kasol ke andar kaise cafes maine suna hai cafes kafi acche hain to wo explore karenge hum cafes vegara aur main aapko thoda टूर ले देता हूँ कि जहाँ पर हम रुक रहे हैं और जहाँ सबके साथ हम ग्रुप में रुकेंगे वो जगह दिखती कैसी है. गाइज वी आर ऑल सेट टू गो और मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ इस जगह का. सो गाइज दीज आर द रूम्स एज यू कैन सी 3 फ्लोर्स है. वैसे हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर पे ये 101 रूम है और बहुत बड़ा प्लॉट है इनका. यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया बुक किया हुआ है इन्होंने. मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जाके. यू कैन सी द कैंप्स. ये अल्पाइन कैंप्स हैं और दीज आर द स्विस कैंप्स. ये थोड़े इनसे ज़्यादा बढ़िया है, मतलब थोड़े नहीं काफ़ी बढ़िया है. अल्पाइन कैंप्स मेरे को इतने बढ़िया नहीं लगे तो हमने वो नहीं चूज़ किए. स्विस कैंप्स अच्छे लगे थे पर वो स्टॉक आउट हो गए थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था होटल लेने की जगह. गाइस एज यू कैन सी थोड़ी वो स्नो तो है यहाँ पर कुछ खास नहीं है. एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी पर देखते हैं आगे जाके क्या पता स्नोफॉल हो सके. वैसे तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से स्नोफॉल नहीं लिखी. तो गाइस अब हम ढाबे पे रुके हैं. हम खाना खाने बहुत भूख लग रही है. सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ. सो गाइस वैसे तो बहुत रेस्टोरेंट और बहुत कैफेज हैं यहाँ पर अभी हमें थोड़ी जल्दी थी इसलिए हम ढाबे पे रुके हैं. थोड़ा इंडियन खाने छोले भटूरे मंगाए हैं और हमने नॉनवेज थाली मंगाई है तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. गाइस ये नॉनवेज थाली है और अभी छोले भटूरे भी आ रहे हैं हमारे. अगर अच्छा लगा तो हम कल भी यही खाएंगे ऐसा सार्थक का कहना है. और मनन को अच्छा लगा. बहुत टेस्टी लगा. गाइस इस वीडियो में आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना उस समय भूल गया. सो गाइस एज यू नो कसोल इज आल्सो नोन एज द मिनी इजराइल ऑफ इंडिया ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ इजराइल टूरिस्ट. सो कसोल इज फेमस फॉर इट्स इजराइलियन फूड. सो गाइस कसोल का इजराइलियन फूड बहुत अमेजिंग होता है. अगर आप कसोल जा रहे हो और आपने इजराइलियन फूड नहीं खाया वहां का तो आपका ट्रिप इनकम्प्लीट है. गाइस सच बता रहा हूँ इजराइलियन फूड बहुत अमेजिंग है कसोल का. हमने काफी कैफे एक्सप्लोर करे मार्केट एक्सप्लोर करी और वहां पर हमने वन ऑफ द बेस्ट कैफे जो है मून डांस कैफे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वहां पर लंच किया. फूड वॉज अमेजिंग. बहुत बढ़िया था. बहुत यूनिक था उनका फूड और जो वहाँ का स्टाफ था बहुत अच्छा स्टाफ था. मतलब बहुत पोलाइट थे वो और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा. बहुत डिफरेंट क्विजीन है वहाँ की. हम जा रहे हैं साइट सीन के लिए एंड राइट नाउ आई एम एट चलाल ब्रिज जो यहाँ का एक अट्रैक्शन है. मतलब यू कैन सी द ब्रिज. Look at the view, guys. Amazing view, यार. कितना बढ़िया लग रहा है. आगे हॉट स्प्रिंग भी था. आप उसकी फोटोज भी देखी होगी आपने उसकी वीडियोज भी देखी होगी. पर गाइज बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके. आई थिंक कसोल आना वर्थ है इस मौसम में. गलत आराम से भैया आराम. अच्छी फोटोज के लिए क्या क्या करना पड़ता है गाइज देख लीजिए. अलग ही जगह डिस्कवर कर रहे हैं हम. ओह ठंडी. सो गाइस ये थोड़ा सा ट्रैक है यहाँ पर जो हम यहाँ पर हम करेंगे और रिवर है. पानी बहुत चिल लग ही रहा है यहाँ पर और एक फेस्टिवल भी हो रहा है 30th नाइट और 31st नाइट. तो ये अगर हमें मौका मिला अगर
अच्छा हुआ तो हम शायद वो फेस्टिवल भी अटेंड करें। सो गाइज ये एक छोटा सा ट्रैक है, चलाल ट्रैक है इस ट्रैक का नाम, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, मतलब 31st की काफ़ी भीड़ है, इतनी देख के हैरान हो रहा हूँ, काफ़ी लोग आए हैं और ट्रैकिंग तो सब कर ही रहे हैं। बाकी व्यू तो बहुत अच्छा है और ठंड ठीक है, मतलब इतनी भी नहीं है कि हम बेयर ना कर पाए, अगर हम ढंग के कपड़े पहन रखे हो तो ठंड इतनी नहीं लगेगी। ऐसी कर और तू ना ऐसा भाई, कुछ नहीं दिख रहा हो, ये देखियो हम रास्ता भटक चुके हैं यहाँ पर मनन की वजह से, क्योंकि मनन बोल रहा है आज ही चलाल वेट करेंगे हम। सो गाइस वी आर एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट टाइम लेट नाइट ट्रैकिंग, और ये चलाल ट्रैक ही है, काफ़ी रात हो चुकी है, इट्स वेरी स्केरी। तो गाइस अभी हम चलाल ट्रैक से वापस आ चुके हैं, हमने ट्रैक पूरा तो नहीं किया पर बहुत मजा आया नाइट ट्रैक करने में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। हम थोड़ी सी मार्केट भी एक्सप्लोर करी और थोड़ा वो शॉपिंग वगैरह भी करी, बट अब थोड़ा रिलैक्स करने के बाद पार्टी करने का टाइम है, इट्स टाइम टू पार्टी हार्ड राइट। सो गाइस आज तो बहुत मज़ा ही आ गया, नेक्स्ट लेवल पार्टी एक्सपीरियंस किया हमने, बहुत मज़े में, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बॉनफायर किया, फिर पार्टी में भी हम गए, सब कुछ ऑल ओवर बहुत बढ़िया था। बट द स्टोरी इज़ नॉट ओवर येट, अभी बहुत ट्रैकिंग बाकी है, बहुत एक्सपीरियंस करना बाकी है, कसौल एक्सप्लोर करना बहुत बाकी है। सो कल हम जा रहे हैं ट्रैक के लिए, पर आज हम एक वीडियो इसे ही ख़त्म करते हैं यार, इस वीडियो को बहुत लंबी खींच जाएगी नहीं तो, और मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ कसौल की पूरी जर्नी को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय सायनारा।